आज के वक्त में भी हमारे देश के लोग खास फूल जड़ी बूटियों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इससे अनेकों प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। हम आपको एक ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने वाले हैं, जिसके प्रयोग से आप शरीर के कई गंभीर रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बरगद के पेड़ की, जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी बड़ा ही पौराणिक महत्व होने के साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। वहीं इसका उपयोग आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसका पेड़ आपको पूरे देश में हर जगह पर आसानी से मिल जाएगा। इसके पत्ते, दूध व छाल में कैल्शियम, एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिससे ये हमें कई रोगों से बचाता है। इन बीमारियों में है काफ़ी कारगर। आयुर्वेद के अनुसार बरगद का पौधा हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमें पित्त, थायराइड, चेहरे के दाग धब्बे, घाव, यूरिन में जलन जैसी कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। वहीं जिला अस्पताल बाराबंकी के चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा, MD मेडिसिन ने बताया, वैसे तो बरगद के पेड़ को हमारे देश में कई नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसकी पत्तियां, दूध, छाल में बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों से जो दूध निकलता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। जिन महिलाओं या बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उन सबको इसका 5 से 6 बूंद दूध शहद या चीनी में मिलाकर सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ ही साथ जिनको पित्त की समस्या, थायराइड, गर्मी से पसीना ज़्यादा आता है, ऐसे में उन लोगों को इसके दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पित्त की बढ़ी हुई मात्रा को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के किडनी में स्टोन होती है, जिससे उनके यूरिन में जलन होती है, उस अवस्था में इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से काफ़ी लाभ मिलता है, क्योंकि इसके दूध में बहुत ही ज़्यादा एंटी प्रॉपर्टी गुण होते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं घाव हो गया हो या कट लग गया हो, खून बह रहा हो, वहाँ पर इसके दूध लगा लिया जाए तो घाव भर देता है और खून तुरंत बंद कर देता है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम, जैसी किसी के चेहरे पर दाग धब्बे या चेहरे रेशे निकल आते हैं, वहाँ पर इसके दूध का छाल का काढ़ा बनाकर पीने से इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर कार्यरत बरगद का जहाँ संभाल किया, इंग्लिश में इसको बनियान बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। और बरगद वैसे तो हिंदू धर्म में इसको काफ़ी पवित्र नज़र से देखा जाता है और इसका यूज़ भी एक पूजा पाठ में किया जाता है। लेकिन और जहाँ पे आयुर्वेद का बात आता है, तो वहाँ पे इसका तना, इसकी पत्ती, इसका दूध, इसकी जड़, हर एक चीज़ का अपना औषधीय प्रयोग अलग अलग रूप में किया। दूध में कैल्शियम बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम की बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, तो जो हड्डी की समस्याएँ जिनको होती हैं महिलाओं में, बच्चों में, तो इसका दूध का 4 से 5 बूंद एक मीठी चीज़ में, एक मीठी शहद में या मीठी शक्कर के साथ में, चीनी के साथ में, इसको इस्तेमाल करने से शुरुआत में 5 से 6 बूंद लेना चाहिए पानी के साथ में, इसको ले शक्कर के साथ या मीठी चीज़ के साथ, तो हड्डियों को मजबूत करने का काम बहुत अच्छा करता है। शरीर में पित्त की जिसमें मात्रा ज़्यादा होती है, उसको गुस्सा बहुत आता है, जिसको गर्मी की समस्याएँ होती है, चाहे थायराइड की बीमारी होती है, या बहुत शरीर में इसके गर्मी का या पसीने की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, तो ऐसे में इसके दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पित्त की बड़ी मात्रा उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके और शरीर में एक शीतलता प्रदान करता है, पित्त को शांत करता है। जैसे शरीर में एक तासीर इसकी बहुत ठंडी होती है, जिसकी वजह से ठंडापन अपना प्रभाव दिखाता है। साथ ही साथ उसका छाल होता है, छाल का इस्तेमाल बारीक जिन महिलाओं में, लड़कियों में यूरिन में जलन की प्रॉब्लम होती है, जो यूरिन में इन्फेक्शन होता है या किडनी स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पे इसके छाल को बारीक पीस करके उसको गर्म पानी में इसके पहाड़ जैसा बना करके इसको लेने से बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है और वो परेशानी ठीक हो जाती है। इसमें दूध में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज काफ़ी होती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के चलते अगर कोई घाव हो जाए, स्किन में कट लग जाए, खून बह रहा हो, तो दूध की 4 से 6 बूंद अगर वहाँ पे लगा लिया जाए तो घाव को भरने में बहुत जल्दी मदद करता है और तुरंत ब्लड को वहाँ पे जमा प्राप्त हो जाता है, जिससे रिसाव जो रखा होता है घाव से वो बंद हो जाता है।